ले जाना शुरू नहीं किया है, तो अभी तो वो हमारा फेज टू का प्रोग्राम है जो अभी नेक्स्ट वीक से हम शुरू करने जा रहे हैं, और वहां लोग जितने रुकेंगे उन सभी को इससे पहले अभी अभी जो खुले आसमान के नीचे जो लोग हैं इनको क्या खाना मिल रहा है मैडम अभी, ये हमें देखने की आवश्यकता है। उस मामले में अभी बहुत सारे अभी फील्ड में जाते हो, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती है, हमारे सामने भी आती है, लोग कहते हैं कि हमको अभी तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया, बहुत सारी चीजें सामने आती है, तो इनका समय समय पर कैंप्स लगाती रहती है, और इनफैक्ट बहुत ग्रास रूट लेवल पर भी हम इनको लेकर के आते हैं, लेकिन उनके पास जो और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उसकी वजह से उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, लेकिन अभी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में अभी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा वहां सभी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अधिकारी आएंगे और इनकी जितनी संभव मदद हो, जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो उनको वॉर स्केल पे बनाने के लिए सर ने आदेश दिए, तो आई एम श्योर कि इस बार सभी लोगों के जन आधार कार्ड वगैरह बन जाएंगे, और इनका जो जिस जगह से आया जैसे जयपुर का रहने वाला तो शायद ही कोई होगा, कोई जिस रेस्पेक्टिव जिले से आया वहां के पटवारियों से भी, वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हम सहयोग लेंगे, तो इस बार वी आर वेरी श्योर कि हम काम अच्छा करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों को आईआईटी और नीट की निशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग जरूरतमंद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाएगा और योजना के तहत चुने गए स्टूडेंट्स को एक साल के लिए पूना में निशुल्क कोचिंग दिलवाई जाएगी। देखिए हमारी सहयोगी राखी हजेला की ये खास रिपोर्ट। इस निशुल्क कोचिंग योजना के तहत ऐसे स्टूडेंट्स जो मई 2023 में होने वाली 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। चयनित स्टूडेंट्स को एक वर्ष के लिए कोचिंग के साथ खाने और रहने की सुविधा भी फ्री में दिलवाई जाएगी। योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिल सकेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम है। शारीरिक रूप से असक्षम विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने दक्षिणा फाउंडेशन के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की है, जिसमें सिलेक्शन के लिए विद्यार्थियों को दक्षिणा स्कॉलरशिप टेस्ट देना होगा। टेस्ट की तिथि अभी घोषित नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेधावी तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसके चलते वो हायर स्टडीज या प्रोफेशनल स्टडीज में एडमिशन नहीं ले पाते। ऐसे ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए विभाग इस योजना को शुरू कर रहा है। ऐसे होगी स्कॉलरशिप परीक्षा। तार्किक क्षमता, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान विषय से जुड़े हुए सवाल आएंगे। परीक्षा अलग अलग खंडों में होगी। हर खंड के लिए 30 मिनट का समय रहेगा। 25 वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब देने होंगे। एक सवाल का सही जवाब देने पर 3 अंक मिलेंगे और अगर गलत उत्तर दिया तो 1 अंक कट जाएगा। वहीं कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे दिव्यांग वर्ग के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85% अंक होना, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 70%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 60% अंक होना आवश्यक है। जेईई की क्लासेस जो है प्राइवेट सेक्टर में काफी महंगी पड़ती है, बहुत ऊंची फीस लोग लेते हैं। जिस तरीके से हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए हैं, वैसे ही नवाचार के रूप में स्कूलों में भी इस प्रकार की कोचिंग होगी तो विद्यार्थियों को अपनी स्कूल में ही अच्छी कोचिंग मिल सकेगी और वे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आगे बढ़ सकेंगे। तो केवल क्या इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ही इसमें अभी चिन्हित किया गया? नहीं, ऐसा नहीं, हिंदी मीडियम के स्कूल भी इस काम को कर सकते हैं। कोई भी नवाचार कोई स्कूल करना चाहे तो आजकल हमने स्कूल लेवल पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना रखी है, जिसको हम SDMC कहते हैं, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। वो कोई भी निर्णय करके अपने स्तर पर कोई नवाचार कर सकती है, उनको पूरी छूट है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एक बेहद अच्छी खबर है। ऐसे स्टूडेंट जो कि IIT और नीट की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते ये तैयारी नहीं कर पा रहे, उन्हें शिक्षा विभाग निःशुल्क रूप से ये तैयारी करवाएगा। इसके लिए उन्हें स्टूडेंट्स को एक टेस्ट देना होगा जिसके आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। स्टूडेंट 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन मंजीत सिंह के साथ राखी हजेला।